वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने बनाया है स्माइली। आप लोग बाजार से इसे ज़रूर परचेज़ किया होगा। इसको मकेन के नाम से भी जानते हैं। बच्चों को तो ये बहुत पसंद है। अगर आप इसे घर में बनाएंगे तो इजीली बन जाएगा और बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पटेटो। मैंने हाफ के जी पटेटो लिया है और मैंने इसको 95% तक कुक किया है और मैंने इसको अब कद्दूकस कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे राइस फ्लोर, मतलब कि चावल का आटा। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको घर में पीस लीजिए और 4 स्पून हम इसके अंदर डाल लेंगे। इससे ये क्रिस्पी बनेंगे। और उसके बाद मैंने इसके अंदर 4 स्पून कॉर्नस्टार्च डाला है। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है, इसे अरारोट भी कहते हैं। तो टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, 1/2 स्पून लाल चिल्ली पाउडर डालेंगे और 1/2 स्पून ओरिगेनो डालेंगे, 1/2 स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर एक डो बना लेंगे। अगर आपका डो थोड़ा गीला हो तो आप इसके अंदर अरारोट की मात्रा और बढ़ा लीजिए। और इसके अंदर एक प्लेट लेंगे या कोई थाली या कोई बड़ा प्लेट, जिस उसको हम ग्रीस कर लेंगे घी या तेल से। इसके बाद हम एक बड़ा सा पेड़ा लेंगे और हम एक इसकी मोटी सी रोटी बना लेंगे, ज़्यादा पतली भी ना हो और ज़्यादा मोटी भी ना हो। जैसे मार्केट में मकैन आता है ना, उस टाइप से आप इसको उतना ही मोटा रखिए। तो और कोई भी नोक वाला बर्तन लेंगे या कोई भी शेप में आपको बनाना हो आप उस शेप में बना लीजिए। तो मैंने एक गिलास लिया है, जो छोटा गिलास था मैंने उस गिलास से गोल गोल शेप में काट लिया है। अब इसकी आँख बनाने के लिए मैंने एक स्ट्रो लिया है। हम इसकी एक आइज़ बना लेंगे। अब इसकी स्माइल बनाने के लिए हमने एक स्पून लिया है, उसको मैंने उल्टा करके इस तरीके से स्माइल बना लिया इसका। अभी रेडी हो गए हैं। अब मैंने ऑयल गरम करने के लिए पहले ही रख दिया था, तो मीडियम फ्लेम में हम इसको फ्राई करेंगे। आप इसको फ्रीजर में भी रख सकते हैं और जब आपको फ्राई करना हो तब इसको आप निकाल के फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं इसको हाथ के हाथ आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। अगर आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो ये 1 हफ्ते तक ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखिए फूल के ये ऊपर आ गए। तो अब इसको हम पलट लेंगे और लो से मीडियम फ्लेम पे अब इसको क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई करेंगे। तो ये फ्राई हो गए हैं और स्माइली हमारे रेडी हो गए हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस तरह से बच्चों को बना के दीजिए, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये घर में बनाया है। और इसे बनाना बहुत ही ईजी है। अगर आप मार्केट से ये ख़रीदते हैं तो आपको सिर्फ 10 या 12 पीसेस मिलते हैं, जो 300 रुपये के आसपास आता है। आप इसको सिर्फ 20 या 50 रुपीज़ में इतने सारे बना लेंगे कि बच्चे इसको 4 दिन तक खाएंगे। तो ये देखिए हमारा स्माइली बनकर रेडी हो गया है और इसे बनाना बहुत ही ईजी है, वो आपने देख ही लिया है। तो आप लोग इसे बनाइए, बच्चों को खिलाइए। बच्चों के आप लंच बॉक्स में भी इसे डाल सकते हैं, तो उन्हें बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी। तो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।